ऑक्सिलरी और वीआरटीसी चेक करेंगे और पावर आईसी पे देखेंगे कि फिर काम करना है कि नहीं करना। तो लेट्स सी, इतने सोल्यूशन के लिए मुझे किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, और मैं पुराने स्टूडेंट को भी कहूंगा अपने आपको अपडेट करो। ओके, ये देखो, ये एसर टेलीकॉम ने अपने स्टूडेंट को क्या वादा किया है। भाई मैं वादा करता हूं अपने स्टूडेंट से कि मैं आपको जो दूंगा वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इधर थोड़ा आइए, मैं आपको जो दूंगा ना वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मुझे एसर टेलीकॉम के, मैं जानता हूं स्टूडेंट आता है सब कुछ सिखाने के बाद भी भूल जाता है, और ये आदत है आपकी, और आप क्या करते हो लिख रहे हो बैठकर। मुझे कमेंट करके बताओ, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, बताओ एक पूरे दिन में कितना लिखते हो आप लोग। और सच बताओ, अगर दो घंटे से भी ज्यादा लिख रहे हो ना, मतलब तुम एक इंस्टीट्यूट में पूरे की पूरे टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्रैक्टिकली मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि आप मेरी क्लास में आओ, मजाक नहीं कर रहा, लाइव देखो, कोई बच्चा हुआ लिखता हुआ मिल गया अगर तो लाइव देखो ना, आधे घंटे से आधा घंटा, वो भी सिर्फ सर्टिफिकेट बनवाता हूं, लिखवाता कुछ भी नहीं हूं, वो भी सर्टिफिकेट वो बनाते हैं स्टूडेंट, छपवाते नहीं है, और नहीं सर्टिफिकेट पर प्रैक्टिकल कराता हूं, कोशिश करता हूं थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा, और स्टूडेंट करे, टीचर बैठ के तो सभी कर रहा है ना इतना। देखो भाई, 5G डेड सर्टिफिकेट, डेड मोबाइल 5G के, 4G 5G दोनों सीपीयू वाइज, ठीक है, नेटवर्क, UFS, चार्जिंग, 5G ऑडियो, PMU डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और सीपीयू आउटपुट, कैमरा और आपके इवन नेटवर्क के और आपके PMU के आउटपुट, और बहुत कहीं कुछ, ये 5G के अपडेट हमने बनाए हैं और बना रहे हैं, और ये हम लाइफ टाइम अपने स्टूडेंट को देते रहेंगे। ये नहीं कि आपको हमने एक ही दिन में सब सिखा दिया, क्योंकि ना आप वहां वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, और आप वहां पे सब भूल जाओगे जो लिख रहे हो ना, आपको खुद आपने लिखा। आप मुझे कमेंट करके बताओ एक और चीज, मुझे बताओ आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो आप अपने इंस्टीट्यूट में किसी यहां बैठ रहे हैं और लिख रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको अपने लिखा भी समझ में आ रहा है, आपने लिखा हुआ पढ़ो, अगर आपको लिखा हुआ भी समझ में आ रहा है तो नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं फीस भरती है, कहीं बैठे हो तो अब बात करो उनसे कि सर हमें प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा, थ्योरी आप अपनी कम करो, हमें ज्यादा बोर्ड पे काम कराओ, या हमें सीपीयू मेमसी पे ज्यादा काम कराओ, हमारी हैंड स्किल पे ज्यादा वर्क करो। तो हम इस सोल्यूशन पे पहले डायरेक्ट आएंगे, ये सोल्यूशन हमको डेड फोन में है इमीडिएट का। सबसे पहले हम इसकी बूटिंग समझेंगे, देखिए इधर दिखाइए, ये बूटिंग जा रहा है, नो बूट, अप डाउन, हाई लो, स्टार्ट रीस्टार्ट, स्टार्ट स्टक ऑन लोगो, ऑटो पोर्ट, ये सब हार्डवेयर का मामला है। तो पहले हम इसकी बूटिंग समझेंगे। तो देखिए, अगर मैं इसकी चार्जिंग का, यहां पर चार्जिंग का गेम समझू कि इसकी चार्जिंग का क्या है, बोर्ड में हर जगह काम हुआ है, तो देखो जीरो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहां पर देखो ये भी लगा के रखा हुआ है, जीरो कुछ भी दिखा नहीं रहा है। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा 5 वोल्ट जा रहे कि नहीं जा रहे, ये करके। दूसरा, अब इसकी बूटिंग देखेंगे हम, ये देखिए, ठीक है, देखो कोई शॉर्ट नहीं है, देखो ये लगाने का कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है, ये मेरे से दब गया था पावर की के साथ, अब मैं पावर की दबाऊंगा, जब मैं पावर की दबाऊंगा देखो, तो एक्चुअली जब ये दबा रहा हूं तो पावर के अंदर से शॉर्ट हो रही है, ये देखो ये 12 पे जाकर रिटर्न कर रहा है, मतलब अप डाउन कर रहा है, देखो बोर्ड में कोई शॉर्ट नहीं है, यहां पर दिख रहा है आपको, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड में शॉर्टिंग तो वैसे नहीं है, बट अब हम क्या करें, अब हम बात करते हैं, ये एक लो बूट का सेट है, तो लो बूट में जाते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा है अपना, मीडिया टेक का है, यहां पर मैं बहुत कुछ हाइड रख रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, तो जो दिखाऊंगा वो देखिए, चेक सॉर्टिंग नियर, पहले अपन सॉर्टिंग देखेंगे, बीबैट बीपीएच देखेंगे, क्रिस्टल देखेंगे ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक ओम्स का रजिस्टर जो होता है वो चेक करेंगे, ऑक्सिलरी और वीआरटीसी चेक करेंगे, और पावर आईसी पे देखेंगे कि फिर काम करना है कि नहीं करना। तो लेट्स सी, इतने सोल्यूशन के लिए मुझे किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, मेरे किसी भी स्टूडेंट को किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, और मैं पुराने स्टूडेंट को भी कहूंगा अपने आपको अपडेट करो। बट हम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, कोई मॉसफेट वॉसफेट लगा के कोई बेवकूफ नहीं बनाएंगे किसी सीपीयू को, एक सही तरीके से फोन को ऑन करेंगे, और यही हमारा तरीका है। रीजन ये है कि हर सर्किट को बेवकूफ बनाते गए तो फिर कस्टमर को बेवकूफ बना रहे, वो सर्किट 2 दिन बाद 3 दिन बाद कितना काम कर रहा है ये पता नहीं, बात समझो। देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं, सबसे पहले हम सारी जीआर की रीडिंग लेंगे और जो प्राइमरी वोल्टेज है सब कुछ। तो मेरा पहला सोल्यूशन था चेक ऑल कैप्स नियर सीपीयू एमएमसी एंड पावर, सो आई विल चेक यहां पर, सबसे पहले यहां पर चेक कर लेता हूं क्योंकि मीडियाटेक में ज्यादातर सीपीयू के कैप्स शॉर्ट होते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर दिखाई दे रहा 0-0 होते हुए यहां पर।
देखिए ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बोर्ड आए, पहला सोल्यूशन सबको फ्री, सारे कैपेसिटर चेक करो, इंपॉर्टेंट है सीपीयू मेमोरी पावर। भाई सीपीयू चेंज मत करो, हेलो सीपीयू चेंज मत करो, नहीं तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ले जाकर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे सारे कैपेसिटर ओके हैं। बीबैट की लाइन चेक कर लेंगे, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखिए। और इसको मैं डायोड मोड पे चेक कर रहा हूं, ये मेरे बीबैट के जी आर आ रहे हैं, अब रिवर्स किया ये फॉरवर्ड मोड पे करूंगा। ठीक है, ये भी ओके है। अंदर आईडी की लाइन और चेक करूंगा, नोटिस करो टर्म की लाइन, ठीक है, ये भी है हमारा। अब वापस जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे पास कोई और शॉर्टिंग वोटिंग है कि नहीं है, एमएमसी के पास चेक करूंगा, क्योंकि लो बूटिंग है, सीपीयू ऑन नहीं हो रहा, यहाँ पे एमएमसी का तो गेम ही नहीं है। अगर एमएमसी के पास कैपेसिटर शॉर्ट होते तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये एटलीस्ट हमारा पांच, मतलब यहाँ पर जैसे 0.1 है तो ये 0.05 तक जाता, पर ये 0.01 पे है, क्योंकि ये एक से ऊपर ही नहीं गया, तो ये लो बूटिंग पे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे बीपीएच लाइन, सो बीबेट लाइन तो हमारी ओके है, पर एक बार बीपीएच लाइन चेक करेंगे, जो कि यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ पर किस तरह से काम हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए एक ओबीपी आईसी लगी है जिसको बाईपास किया हुआ है। ठीक है, एक ओबीपी आईसी लगी है जिसको बाईपास किया हुआ है, ले देखिए। यहां पर ये हमारा स्विचिंग का कॉइल है बीपीएच, तो देखो हमारा बीपीएच पे भी रीडिंग आ रहा है, तो अब हम यहां पे बीपीएच चेक करेंगे, बीपीएच पे भी रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक कैपेसिटर हमें यहां शॉर्ट मिला, एक्चुअली ये शॉर्टिंग हाई एलडीओ की है, मतलब एक एलडीओ यहां पर मे बी, क्योंकि ये मे बी नहीं, यस राइट, आई एम बिल्कुल, आई एम श्योर 100% ये एक हाई एलडीओ का कैप्स है, क्योंकि जिस तरह से एक सीक्वेंस बनाता है उल्टे एल में सबसे पहला कॉइल। चलो आज आपको एक गुरु ज्ञान देता हूं, ये देखो मीडियम टेक में अगर पांच कॉइल का सर्किट है, समझना मीडियम टेक में अगर पांच कॉइल का सर्किट है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और जो पहला कॉइल आए, ये नहीं ये साइसी का है, वो पहला कॉइल हाई एलडीओ है। सो अभी कैसा है, हाई एलडीओ शॉर्ट है, क्या करें, शॉर्ट किलर लगा दे, शॉर्ट किलर वाले टीचरों से तो बिल्कुल मत जाना भाई, जो बैटरी चुपका रहे शॉर्ट किलर लगा रहे मत करना, सीपीयू डैमेज कर दोगे, हालांकि सीपीयू में नहीं जाता ये, रिवर्स होके वापस जाता है पावर के अंदर। हम यहाँ कॉइल निकाल सकते हैं, मैडम यहाँ कॉइल क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर ये सीपीयू में जाता तो हमें पता चलता कि दोनों साइड शॉर्टिंग किस ओर है, और क्योंकि हाई एलडीओ है दोनों ओर पावर के अंदर जाता है, तो हम यहाँ पे पावर ही निकालेंगे। तो चलिए
अब हम वापस चेक करेंगे हमारी सॉर्टिंग है या नहीं है। तो देखिए अब हमारी सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। दूसरे साइड से पावर आईसी रिवॉल्व करूंगा लगाऊंगा, बट क्योंकि ये एक वीडियो बनाने वाला कंटेनर है तो हम इसमें एक पावर आईसी को डायरेक्ट चेंज करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आईसीयां होती है और हम बोर्ड से तो निकालते ही हैं, साथ में हम कुछ आईसीयों का कंटेनर भी अपने पास रखते हैं ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पे फिट कर सके अगर मुझे यहाँ पर मेरे को मिल जाती है। ये देखिए लेटेस्ट पावर आईसी है वन प्लस की, ये देखो ये MT6353V6353 ये भी है तो 6358V58W होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं MT6371 ये CR भी मिल गया हमको, ठीक है। अब हम ये पावर आईसी लगाएंगे, बट तो दो पावर आईसी मेरे पास बची हुई है, तीन पावर आईसी दिखाता हूं, नोटिस करो, ये देखो ये तीन पावर आईसी मेरे पास बची हुई है और ये पावर आईसी मैंने परचेस की है मैंने मलिक सर से, जेटेक मलिक सर से मैंने वो आईसी है, वो सारी चीजें टूल्स वगैरह वगैरह और ये सारी चीजें भी सेंड कर मतलब बेचते हैं तो ये मैंने उनके थ्रू बुलवाई है। और जितने भी ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं, ये जो मैं बोर्ड जैसे मैं आईसी निकालता हूँ ये मैंने परचेस की है फुरकान मोहम्मद फुरकान से, मैं आपको नीचे नंबर दूंगा पर मुझे कॉल मत करना भाई गलती से भी, मैं बोर्ड नहीं सेल करता, मैं इनसे खरीदता हूँ, मेरे स्टूडेंट भी इनसे खरीदते हैं और एसर टेलीकॉम के नाम लेने पर सबसे कम दाम में बेचेंगे ये गारंटी है, 10 रुपए कम बेचेंगे एटलीस्ट, 10 रुपए भी कम कर देंगे आप लोगों के लिए बहुत है, मोहम्मद फुरकान, ठीक है। अब हम इसमें आईसी लगाएंगे, और जो हमारा पैड ग्रे है उसको हम क्लीन करेंगे। तो चलो अब हम इसको चेक करते हैं, देखा ये इधर आइए थोड़ा पास में, ठीक है। पहले अपन सॉर्टिंग लगेंगे, ठीक है, देखिए देखो अभी शॉर्टिंग निकल रही है, अभी रीडिंग आ रही है, देख रही है कॉल पर रीडिंग, पहले तो 00 आ रहा था, अब फिर से देखेंगे एक बार क्या कंडीशन पे हमारा सेट है, ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या है। तो हाई एलडीओ शॉर्ट था जिसके साथ ये कह सकते हैं कि भाई काम किया हुआ है, पर मुझे लगता है कि सिर्फ पावर आईसी चेंज करने से अगर ये सेट मेरे से अभी यहाँ बन जाता तो ये तो ऑलरेडी दो चार जगह घूमा हुआ है, अभी घुमा हुआ किस जगह होता है तो पहले आप उसकी परिभाषा समझो, जब भी आपको ये बताया जाना कि यहाँ वहां घुमा हुआ है तो आप ये समझो आप कैसे बिलीव करोगे कि वाकई में घुमा हुआ है, पहली बात बिलीव नहीं कर पाओगे, दूसरी बात किन टेक्नीशियन के पास जिनको कनेक्टर बदलना भी नहीं आता सही तरीके से या जो ब्रूस करते हैं
वो क्या बनाएंगे सेट? अगर उनके पास रिटर्न भी आ गया तो कैसे आप हम बोल सकते हैं कि वहां से रिटर्न है सेट? हाँ, बट अगर कोई आईसी निकाल रहा है, कोई आईसी लगा रहा है और वो रिटर्न कर रहा है तो हम बोल सकते हैं घुमा हुआ है भाई, क्योंकि वो सर्किट पे काम नहीं कर रहा। इधर आइए सर, देखिए हम लगाएंगे और लगाने पर भी देखो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। कहने का मतलब है क्यों? क्योंकि लगाकर कुछ तो रीडिंग लेता ही है, हाँ कुछ तो भी तो रीडिंग लेता ही है। तो कोई नहीं, अपन एक बार ये दबाएंगे और चेक करेंगे कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये करके देखिए, यहाँ पे दिखाइए, पूरा दिखाइए ये एरिया, ये पूरा एरिया दिखना चाहिए, बिल्कुल जूम पे कटना नहीं चाहिए, ठीक है सर? चलो लोग अभी 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 कैसा है, अभी देखते हैं कि कैसा हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखिए लगाया, अब पावर पावर की देखो अभी क्या है, इसको दबा रहे तो अभी तो कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा, ठीक है? पहले तो कुछ रीडिंग भी ले रहा था, ये देखो सेम रीडिंग, ये देखो पावर आईसी लगाने पर सेम रीडिंग नोटिस करो, ये देखो वही 12 पर जाकर रिटर्न हो रहा है, ये देखो देखो इस बार रीडिंग लिया। अरे वाह, ये तो चालू हो गया अपना सेट, वाह यार, मतलब यहाँ तो हमारा काम हो गया। तो भाई हमने पावर बदल दिया और हमारा सेट चालू हो गया। अब देखते हैं ये प्रॉपर ऑन होता है कि नहीं होता है, ये भी देख लेते हैं। देख लो सर, ये प्रॉपर ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा सेट ऑन हो गया है, तो माफी चाहूंगा कट गया वीडियो। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर ना सेट चालू तो हो गया है पर चार्ज नहीं ले रहा, नोटिस करो चार्ज में कुछ नहीं ले रहा। इधर आओ थोड़ा पास में दिखाओ, ये देखो चालू तो हो गया है, डीसी से चालू तो हो रहा है पर यहां से कुछ भी चार्ज नहीं ले रहा। तो इसका मतलब चार्जिंग का भी कोई लफड़ा है, तो चार्जिंग का लफड़ा इसका सॉर्ट आउट करते हैं। ये देखते हैं कि चार्जिंग पे हमारे वोल्टेज बन रहे कि नहीं बन रहे। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, तो मैं हमारे पास चार्जिंग के भी सोल्यूशंस होने चाहिए, हमारे पास चार्जिंग के भी सोल्यूशंस होने चाहिए। अब देखो कल मत दिखाओ ये, अब देखो क्योंकि मैं एमडी सर को इसलिए बोल रहा हूं मत दिखाओ क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए है। यहां पर दिखाओ, अब दिखाइए, ये देखिए ये हमारे कल नेटवर्क के सोल्यूशन तैयार हो रहे हैं स्टूडेंट के लिए। खैर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए चार्जर लगाते हैं, देखिए मैंने चार्जर लगाया है। अब यहाँ पे चेक करूंगा मुझे बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मीटर टेक के अंदर बीबैट बीपीएच दोनों बनना चाहिए, पहले बीबैट फिर बाद में बीपीएच। तो मैं चेक करूंगा, देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये देखो ग्राउंड के साथ टच है, कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, बराबर। अब मैं यहां पर बीपीएच चेक करूंगा, देखो कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरा बी बस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये मेरा बीक्यू है, डबल बीक्यू का सर्किट है। अच्छा मुझे बताओ कमेंट करके कि कौन चाहता है दूसरे बीक्यू का पूरा होल सर्किट आपको खोल के रखूं, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट, हालांकि मैं बता चुका हूं पर मैं आप कौन चाहता है कि इसको एक्सप्लेन करूं, कमेंट करके बताओ। देखिए यहाँ पर कॉम्पोनेंट टेढ़े मेढ़े भी लगे हैं और जम्पर भी लगा है, किसी भाई ने क्या किया होगा इसको, किसी वजह पता नहीं बनाया होगा, शॉर्ट फॉर्ट कर दिया, रीजन ये है। अब इसको उसने जैसे के तैसा छोड़ दिया, ये क्यों करते हो आप लोग, हाँ जो काम नहीं आता तो मत पकड़ा करो और काम कम से कम वैसा बना के तो दो। ये देखो तो क्या है पता नहीं, भगवान मालिक है। अभी कैसा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए, नहीं आ रहे। यहाँ पे देखेंगे ये जो जम्पर लगा है यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए, नहीं आ रहे। यहाँ पे देखेंगे ये मॉस्फेट लगा है, ये पी चैनल का मॉस्फेट है यहाँ पर, अरे ये मॉस्फेट ही है यार। यहाँ पे देखो यहाँ 5 वोल्ट आ रहे, तो इसका मतलब है ये एनेबल नहीं हो रहा, एनेबल के होगा कैसे, मॉस्फेट है ही नहीं। सो हम फिलहाल यहाँ से उठा के यहाँ पे एक जम्पर मार देते हैं और देखते हैं कि हमारा ये होता है कि नहीं होता है। कोई डायग्राम नहीं, कोई बोर्नियो नहीं। अगर मैं बोर्नियो खोलने बैठ जाऊं तो मैं स्टूडेंट को क्या ही सिखाऊंगा, क्या सर? बिल्कुल 70% बिना बोर्नियो के काम करने की आदत डालो भाई। तो हम जम्पर मारेंगे, हम एक ऐसे जम्पर लगाते हैं चेक करने के लिए कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ।
नहीं तो फिर हम वीडियो को बंद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको इसका सलूशन लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं इतने लंबे वीडियो बनाना चाहता नहीं हूं, नहीं तो लोगों को फ्राइडे से शॉर्टकट देखने में ज्यादा मजा आता है। चलो ये कॉम्पोनेंट भी सीधे करना है, ऐसे करके मैं नहीं दूंगा, पूरा सही करके बकायदा कॉम्पोनेंट सीधा करके हम इसको देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए फिलहाल तो हमने अभी डायरेक्ट किया पर हम इसको मॉस्फेट लगा के देंगे, और मॉस्फेट क्या क्या काम करता है, किसी को नॉलेज है मुझे कमेंट करके बताओ, वो मॉस्फेट पी चैनल का है कि एन चैनल का है बताओ, पी चैनल का है तो क्यों लगाया, एन चैनल का है तो क्यों लगाया बताओ। चलो देखिए आइए इधर, ये देखिए तो हमारा एम्पियर भी ले लिया इसने और साइड यहां पे ऑन भी हो गया है, ये देख सकते हो आप, ये देखिए, ये देखिए 1.82 दो एम्पियर पे चला गया सेट, देखो ये देखो, ठीक है। तो ये वीडियो में और कुछ भी दिखाना चाह रहा था, कोशिश करता कि क्या और कुछ फॉल्ट हो जाता था आईसी के अंदर जाता, सोल्यूशन बहुत है मेरे पास, बहुत सोल्यूशन है मेरे पास और आप लोगों को मैं बहुत सारे सोल्यूशन दे सकता हूं, आप समझ रहे मेरी बात। तो यहां पर दिखाइए हम क्या क्या चेक कर सकते थे, हम क्रिस्टल ओम रेजिस्टर ऑक्सिलरी आरटीसी, अच्छा ये वोल्टेज चेक करने के लिए मुझे किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिक क्या है मेरे पास और इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, ये चार दिन के टीचिंग का नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और यही कि अभी नए नए वीडियो आने वाले हैं चैनल पे, और प्लीज वो सारे सब्सक्राइबर मुझे अनसब्सक्राइब करें जो सिर्फ सोल्यूशन या सिर्फ एक बाईपास या शॉर्टकट या अपने फायदे की चीज देखते हैं, जो वाकई में चैनल से प्यार करते हैं, जो वाकई में चैनल से लगे हुए जुड़ाव है और जिन्हें वाकई में चैनल से शुरू से बहुत सा ज्ञान लिया है और वाकई में लगता है कि नहीं सर की बात सही है, तो वही इस चैनल पर रहे, बाकी इन चैनल को अनसब्सक्राइब करें, भाई सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है, मैं क्या डालने वाला हूँ इस चैनल में वो आप तुम सोच नहीं सकते। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और अभी आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो अभी किसी भी इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, फेसबुक में जाओ बिल्कुल लाइव देखो, फेसबुक में जाके लाइव क्लासेस देखो जो कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि अपने स्टूडेंट को और अपने कोई भी स्टूडेंट को डेली लाइव कोई नहीं दिखा सकता एक ही चैनल के साथ, नहीं तो आपने देखे होंगे उनके वीडियो के अंदर तीन तीन महीने पुराने स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, कभी कोई स्टूडेंट दिखाई देगा अगले दिन स्टूडेंट की शक्ल बदल जाएगी, सारे स्टूडेंट नहीं दिखाई देंगे, एक वीडियो में कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं दूसरे वीडियो में कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं और जो स्टूडेंट है उसका आता पता ही नहीं है। आपने फेसबुक के अंदर जाना है एसर टेलीकॉम के अंदर, ठीक है, ऐसे ही 500,000 लोग मुझे फॉलो करके नहीं बैठे, 500,000 लोग, आई एम द फर्स्ट इन इंडिया रनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड हैविंग अ 5,00,000 सब्सक्राइबर ऑन फेसबुक एंड दे आर एक्चुअली फॉलोअर्स। यहाँ पर ये देखिए आज हमारी दुर्गे सर की क्लास हुई थी, ये हमारी क्लासेस सारी आप लाइव देखिए क्लासेस, ठीक है, सारी क्लासेस लाइव देखिए, स्टूडेंट से बातचीत लाइव देखिए, कुछ भी हाइड नहीं करते, कल की मेरी ये लाइव क्लासेस देखिए, देखा है जिसमें मैंने लाइव रैम को क्लीन किया था और A10 से रैम निकाल, देखो इसकी हालत देखो रैम की, जूम करो देखो इसका रैम का हालत देखो, और जब मैंने लाइव खत्म किया था तो ये देखो रैम की हालत देखो, यहाँ पर ये देखो ये रैम की हालत देखो, क्या रैम को क्या क्लीन करके मैंने यहाँ पर दिया सिर्फ, और उसमें भी मैंने 15 मिनट तक बातें की, ये देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर, तो उसके अलावा सॉल्यूशंस ये देखो, स्टूडेंट की खुशी देखो। चलिए तो मैं समय लाइव हूँ और मेरे साथ एक स्टूडेंट है, तो इसने क्या किया है, इसने लाइव में पहली बार लाइव माइक्रो जंपिंग की है एमएमसी के अंदर, बताइए अपना। सर मेरा नाम लकी सोलंकी है, लकी सोलंकी 28 तारीख से ज्वाइन किया है, 28 तारीख से ज्वाइन किया और आज तारीख कितनी हो रही है, 6 तारीख है, आज 6 तारीख है, 6 तारीख में क्या इसके पहले कभी आईसी निकालते लगाते आती थी आप, आईसी लगाते निकालती नहीं आती थी सर, कभी इतना बारीक काम नहीं किया इतना बारीक में, और आज आपने क्या कराया इसके अंदर, सर कल आपने माइक्रो जंपिंग की क्लास ली थी, तो सर आज मैंने आईसी का जो मेरा पैड टूटा हुआ था जिससे मेरे मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था, ठीक है, उस पर सर आईसी पे मतलब ईएमसी पे माइक्रो जंपिंग थी उसको रिकॉल करता हूं, यस सर आपने किया है, अच्छी मेहनत है उसके और साथ ये संभव, यहां ये दिखा नहीं पाए ये चीज, मैंने इनको एमडी सर को बोला कि आपने गलत किया, आपको यहाँ पे एमएमसी का पैड दिखाना चाहिए था, ये देखो स्टूडेंट के डायग्राम देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट के डायग्राम देखो और ये डायग्राम छाप के नहीं बना रहे, और आप किसी भी स्टूडेंट से बात करना चाहते हो लाइव एक वीडियो कॉल पे तो आप एमडी सर को पहले कॉल लगाओ,
वो आपकी लाइव वीडियो कॉल पे रनिंग क्लास में बात कराएंगे सब स्टूडेंट के सामने, प्रॉमिस, गारंटी, गारंटी। अगर आप बोलो कि भाई तुम कितना डेली लाइव हैंड स्किल काम कर रहे हो, ऐसे ही कचरे वाले बोर्ड पे काम तो नहीं कर रहे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आखिरी चाहते आते इन स्टूडेंट को मिलने वाला है सॉफ्टवेयर का दुर्गेश सर का गजब का नॉलेज, अभी मेरी नाइट ऑफ और हार्डवेयर की क्लास बची है। दूसरा फिर इनको मिलेगा मिलन सर का एमएमसी का और यूएफएस का जबरदस्त नॉलेज, जिसमें हम एमएमसी को 3 दिन 4 दिन 5 दिन में खत्म नहीं करेंगे, 7 दिन की क्लासेस होगी और तगड़ा नॉलेज होगा और बच्चों के लाइव हैंडसेट पर वर्क होगा, पर हम शो ऑफ नहीं करते कभी। थैंक यू वेरी मच।